अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान बसरा। चाइना की स्कॉलरशिप के लिए हम जो पीडीएफ फाइल्स अपलोड करते हैं उनका साइज़ हम कैसे कम करें? समटाइम हमारे थीसीज होते हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका साइज़ जो होता है वो ज़्यादा होता है। उनका साइज़ कम करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है आई लव पीडीएफ। और ये एक वेबसाइट है आई लव pdf.com, जहाँ से आप अपनी फाइल्स का साइज़ जो है वो कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेस पीडीएफ फाइल्स, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा देर लगती है इसमें, और आपकी जो फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी कंप्रेस हो जाती हैं। अगर आपकी साइज़ फाइल का साइज़ जो है वो 1.5 MB तक है, तो ये आपको 500 KB तक कर देगा। तो यानी कि 60-70% तक ये आपकी फाइल्स को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर जैसे ये देखें, ये ओपन हुई है हमारे पास। ये आप ओपन होने के बाद यहाँ पे वैसे इसके बहुत सारे टूल्स वगैरह हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने सेलेक्ट पीडीएफ करनी है। पीडीएफ जैसा कि आपने यहाँ पे देखें, डेमो थीसिस रिड्यूस साइज, इसका साइज जो है वो 1.40 MB है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा कहते हैं कि आपका साइज जो हो ना, साइज वो 1 MB से कम होना चाहिए, तो इसलिए ये जो आपकी फाइल है ये अपलोड नहीं होती। तो आपने सिंपली यहाँ इसको सेलेक्ट करके और ओपन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे हमने करना है कंप्रेस फाइल, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। जब तक ये टाइम लेता है, मैं आपको इसके और फीचर्स से आगाह कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, 1.40 MB, और मेरा इस टाइम अपलोडिंग स्पीड है 9 KB/s। तो यहाँ पे इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये थोड़ा सा स्पीड इसकी स्लो है। अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो ये बहुत ही फास्टली अपलोड होता है। तो इसी के अगर दूसरे फीचर्स की बात करें, जब तक हमारी फाइल्स कंप्रेस हो रही है, हम इसके दूसरे फीचर्स की बात करते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखें, मर्ज पीडीएफ फाइल्स, आप दो पीडीएफ फाइल्स को इकट्ठा कंबाइन कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, आप दो फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं। पीडीएफ टू वर्ड, वर्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक लिमिट तक होती है। पीडीएफ टू पावर पॉइंट, पीडीएफ से पावर पॉइंट, पीडीएफ से एक्सेल में, वर्ड में पीडीएफ, आप किसी किस्म की, ये देखें, जेपेग से पीडीएफ और पीडीएफ से जेपीजी, ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी जगह पर, जब हमने पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करना होता है और पूरी हाई रेजोल्यूशन में करना होता है, उसके लिए हम जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह और बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। इसके सारे फंक्शंस तो अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे एक लिमिटेशन होती है। तो जब तक वहाँ तक आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे यूअर पीडीएफ फाइल्स आर नाउ 65% समालर, मतलब 1.40 MB की थी, तो 505 KB की रह गई है, और ये जो है ये डाउनलोड भी हो गई है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये किधर हमारे पास डाउनलोड, अगर आप यहाँ पे इसको मैनुअली डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो ये सिंपली आपके पीसी के अंदर डाउनलोड्स के ऑप्शन में चली जाती है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ और शो इन फोल्डर करता हूँ, तो ये देखें, ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है। और ये दूसरी फाइल जो है, ये पहली नीचे वाली फाइल जो है, इसका साइज चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये फाइल जो है वो इसका कंप्रेस हो चुका है। इससे आपकी पीडीएफ फाइल्स में, ये देखें, ये 508 KB का है। तो इस तरह से आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी वेबसाइट पे, चाहे आप चाइना के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी और दूसरे स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अल्लाह हाफिज़।